1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ और ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि चीन की फौज भारत पर भारी पड़ी। ना हम तैयार थे और ना ही हमारी ताकत उनसे मैच करती थी, लेकिन इसी युद्ध की कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो भारतीय सेना के पराक्रम को दर्शाती हैं। मसलन मेजर शैतान सिंह और 13 कुमाऊं के उन 123 जवानों की कहानी जिन्होंने अपने से 5 गुना बड़ी फौज से लड़ाई लड़ी और रेजांगला में चीन को रोके रखा। इस युद्ध से जुड़ी एक और कहानी है जब इंडियन एयरफोर्स और फौज ने मिलकर वो काम कर दिखाया जो इतिहास में उससे पहले कभी नहीं हुआ था। भारतीय सेना ने रातों रात टैंक्स एयरलिफ्ट कर लद्दाख तक पहुंचाए और इन्हीं टैंक्स की बदौलत भारत चीन को चुशुल तक रोकने में सफल हो पाया। अगर ये टैंक्स न होते तो संभव था कि चीन लेह पर पूरी तरह कब्जा कर लेता। लद्दाख तक टैंक्स को पहुंचाना आसान नहीं था और इसके लिए लगाया गया एक बेहतरीन जुगाड़। क्या था ये? इसी से जुड़ी है हमारी आज की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। Brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. शुरुआत 20 अक्टूबर 1962 से चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन चीनी आक्रमण का पहला गवाह बना। एंटोनोव AN-12 नाम का ट्रांसपोर्ट कैरियर विमान लद्दाख के दौलत बे गोल्डी में सप्लाई पहुंचाने जा रहा था। इस दौरान चीनी मशीन गनों ने उस पर 19 बार फायर किया। युद्ध शुरू हो चुका था। 20 अक्टूबर को ही हमले की शुरुआत में चीन ने दौलत बे गोल्डी और पैंगोंग झील के उत्तर की पोस्ट पर कब्जा कर लिया, लेकिन असली मसला लद्दाख के दक्षिणी छोर पर स्थित चुशुल सेक्टर का था। सामरिक रूप से इस पोस्ट का भारत के लिए बहुत महत्व है क्योंकि यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर भारत और चीन की अनाधिकारिक सीमा रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। चुशुल से दक्षिण में 15 किलोमीटर की दूरी पर एक दर्रा है जिसे स्पैंगोर गैप कहा जाता है। पहाड़ों के बीच 2 किलोमीटर चौड़े इस दर्रे से चीन आराम से अपने टैंक्स और वॉर मशीनरी को ला सकता था। चुशुल पर खतरा मंडरा रहा था इसीलिए, और अगर वहां चीन का कब्जा हो जाता तो वो आसानी से लेह में घुस सकता था क्योंकि लेह से चुशुल को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क इसी रास्ते से जाती थी। सेना को जैसे ही इसकी खबर लगी कि चीन स्पैंगोर गैप से टैंक्स ला सकता है, उन्होंने एयरफोर्स से मदद मांगी ताकि 6 AMX-13 टैंक्स चुशुल तक पहुंचाए जा सके। टैंक्स को एयरलिफ्ट करना बड़ी चुनौती थी, लेकिन एयरफोर्स ने चुनौती स्वीकार की। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि AN-12 विमान के लैंडिंग रैंप एकदम तिरछी चढ़ाई वाले थे। टैंक चढ़ाओ तो उसके ट्रैक स्टील के रैंप से फिसलने लगते। दूसरी दिक्कत थी प्लेन का फ्लोर जो एल्युमिनियम से बना था, और टैंक के ट्रैक से उसके डैमेज होने का खतरा था। जो टैंक की चेन होती है बड़ी मजबूत होती है, उससे नुकसान पहुंच सकता था प्लेन को। 22 अक्टूबर को बड़ी मुश्किल से जब एक टैंक ऊपर चढ़ाया गया तो उसने प्लेन के फ्लोर में छेद ही कर दिया। काम यहीं रोकना पड़ा। लेफ्टिनेंट गुरबचन सिंह जो इस ऑपरेशन के ऑफिसर इंचार्ज थे, उन्होंने एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने एक लोकल कारपेंटर से लकड़ी के तख्ते बनवाकर प्लेन के फ्लोर पर लगवा दिए ताकि वो डैमेज न हो। इसके अलावा उन्होंने एक कम चढ़ाई वाला रैंप बनवाया जिससे टैंक्स आसानी से चढ़ सकें। जैसे ही लगा कि समस्या सुलझ गई, वैसे एक नई मुसीबत ने दस्तक दी। एयरक्राफ्ट सिर्फ 10 टन का लोड ले जा सकता था और टैंक इससे कहीं ज्यादा भारी थे। इंडियन एयरफोर्स ने शर्त रखी कि आर्मी को टैंक की गन हटाकर अलग से ले जानी पड़ेगी, लेकिन गुरबचन सिंह तैयार नहीं हुए। एक्टिव बैटलफील्ड में गन को दोबारा इंस्टॉल करना खतरे से खाली नहीं होता। उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने टैंक से सारे गैर जरूरी पार्ट्स निकाल दिए और उसका फ्यूल कम कर दिया। इस पर भी बात नहीं बनी तो इंडियन एयरफोर्स ने एक समझौता किया और प्लेन में सिर्फ इतना फ्यूल डाला जितना चंडीगढ़ से चुशुल जाने और वहां से वापस आने के लिए जरूरी हो। इन सब जुगाड़ों से प्लेन टैंक को ले जाने के लायक हो गए। अब आखिरी काम था टैंक्स को प्लेन में लोड करना। लेकिन यहीं पर एक खबर आई जो यूं तो अच्छी थी लेकिन ऑपरेशन के लिए बुरी साबित होने वाली थी। हुआ यूं कि प्लेन में टैंक चढ़ाने के लिए 3 लोगों की एक टीम तैयार की गई थी। एक ड्राइवर, एक आदमी बाहर से नेविगेट करने वाला और एक सुपरवाइजर। कई घंटों की ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को तैयार किया गया था, लेकिन जैसे ही लोडिंग का दिन आया उससे ठीक पहले ड्राइवर के घर से एक चिट्ठी आ गई। उसकी बीवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, ये उसका पहला बच्चा था और घर पर कोई देखभाल को था नहीं। चिट्ठी में लिखा था, जल्द से जल्द घर आओ ताकि तुम्हारी बीवी को अस्पताल ले जाया जा सके। स्वाभाविक रूप से ड्राइवर ने छुट्टी मांगी। लेफ्टिनेंट गुरबचन सिंह इस बात को लेकर बहुत कश्मकश में थे, छुट्टी न दें तो कैसे और दें तो कैसे। इसका भी जुगाड़ निकाला गया। उन्होंने आर्मी मेडिकल यूनिट से एक डॉक्टर को ड्राइवर के घर भेजा। डॉक्टर ने बच्चे की डिलीवरी कराई और उसकी एक तस्वीर खींचकर वापस लौटा। लेफ्टिनेंट गुरबचन ने फोटो ड्राइवर को दिखाई और उससे काम पर लगने को कहा। इस तरह ये मुसीबत भी निपटी और आखिरकार 24 और 25 अक्टूबर की दरमियानी रात टैंक्स को प्लेन में लोड किया गया।
25 अक्टूबर की सुबह से टैंक्स चुशूल में उतरने लगे। यहाँ टैंक्स उतारने का काम भी कम मुसीबत भरा नहीं था। प्लेन में सिर्फ इतना फ्यूल था कि वो चंडीगढ़ से चुशूल और वापस चंडीगढ़ जा सके और लद्दाख की ठंड में प्लेन को लैंडिंग के बाद भी इंजन गर्म रखने के लिए चालू रखना होता है क्योंकि कोल्ड स्टार्ट उस वक्त इतनी विकसित टेक्नोलॉजी थी नहीं। इसीलिए सेना के पास टैंक्स उतारने के लिए सिर्फ 15 मिनट का वक्त था, वो भी बखूबी पूरा किया गया। इतिहास में पहली बार भारतीय वायुसेना ने दुश्मन की नाक के ठीक नीचे युद्ध स्थल तक टैंक्स पहुंचाए। युद्ध में टैंक किस तरह काम आए जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज। 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में और जानने की चाहत रखते हैं तो एक किताब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इंडिया वर्सेस चाइना 1962। इस नाम की ऑडियो बुक आपको मिल सकती है कुको एफएम ऐप पर। और इस दिवाली कुको एफएम ऐप आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर लाया है। इस दिवाली कोको एफएम ऐप के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आपको 50% की छूट मिल जाएगी और इसके लिए आपको डालना होगा दिवाली 50 ये कोड। इतना ही नहीं, पहली बार कोको एफएम आपको दे रहा है 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जीतने का मौका। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर आप इस कंपटीशन में एंटर होंगे और एक लकी ड्रॉ का हिस्सा बनेंगे जिसमें आप जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू कार, सोने के सिक्के और गिफ्ट वाउचर्स। ध्यान दीजिए, ये ऑफर सिर्फ 18 से 25 अक्टूबर तक है, बाकी 2022 का। बाकी डिटेल्स के लिए लिंक में दिया डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए अपनी स्टोरी पर लौटते हैं। 20 अक्टूबर को हमला शुरू होने के बाद चीन ने पैंगोंग झील के उत्तर में कई पोस्ट को कब्जे में लिया। चीन के सैनिक भारत से 3 गुना के अनुपात में थे, उनकी आर्टिलरी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, तोपखाना। 24 अक्टूबर तक चली लड़ाई में चीन 15 किलोमीटर भीतर घुसाया भारत के। इसके बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। इसका कारण था एक खत जो चीन के प्रीमियर ज़ू इनलाई ने प्रधानमंत्री नेहरू को लिखा था। इनलाई ने पेशकश रखी कि दोनों सेनाएं LAC से 20 किलोमीटर पीछे हटें और इसके बदले भारत अक्साई चीन पर अपना अधिकार त्याग दे। नेहरू उसके लिए तैयार नहीं हुए। इस नेगोशिएशन के चक्कर में भारतीय सेना को एक हफ्ते का महत्वपूर्ण समय मिल गया। भारत ने न सिर्फ चुशूल तक टैंक्स पहुंचाए बल्कि लेह से 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड भी चुशूल में तैनात कर दी गई। इसके अलावा 9 डोगरा, 1 जाट, 3/4 गोरखा और 13 फील्ड रेजिमेंट के जवान भी लद्दाख पहुंच गए। ये सभी फोर्सेस इस तरह डिप्लॉय की गई कि लेह तक जाने वाले रास्ते को किसी भी कीमत पर बचाया जा सके। चंडीगढ़ से लिफ्ट कराए गए कुछ टैंक्स स्पेंगोर गैप के ठीक बगल वाली पहाड़ी के बेस में तैनात किए गए थे। उधर नेहरू और ज़ू इनलाई के बीच 14 नवंबर तक पत्राचार होता रहा। जब यह तय हुआ कि भारत समझौते को तैयार नहीं होगा, चीन ने लद्दाख में अपना ऑपरेशन आगे बढ़ाना शुरू किया। 1/8 गोरखा राइफल्स के जवानों ने इस हमले का जोरदार जवाब दिया। इसके बावजूद वो खुद से कहीं ज्यादा संख्या में मौजूद फोर्स के सामने टिक नहीं पाए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। स्पेंगोर गैप के बगल में गुरुंग हिल पर चीन का कब्जा हो गया। इस तरह गुरुंग हिल के साथ साथ चीन ने रेजांग ला पर भी हमला किया, जहां 13 कुमाऊं के 123 जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। इन्हें लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। चीन की सेना पूरी तैयारी से आई थी, उन्हें ठंड में लड़ने की आदत थी और उनके पास पर्याप्त हथियार भी थे, जबकि भारतीय टुकड़ी के पास 300 से 400 राउंड गोलियां और 1000 हथगोले ही थे। बंदूकें भी ऐसी जो एक बार में सिर्फ एक फायर कर पाती थी। इन्हें दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद बेकार घोषित कर दिया गया था, लेकिन तब हमारे पास यही हथियार थे। मेजर शैतान सिंह को उनके सीनियर्स ने पोस्ट छोड़ देने का ऑप्शन दिया, लेकिन उन्होंने लड़ना चुना। गोलियां कम थी, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे, चीन से लड़ पाना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा दिखाया। दूसरी तरफ से तोपों और मोर्टार्स का हमला शुरू हो गया। चीनी सैनिकों से ये 120 जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया, ऐसा कहा जाता है। रेजांगला की लड़ाई में 114 जवान मारे गए, लेकिन बदले में उन्होंने चीन के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे। इस दौरान चुशूल सेक्टर में सेना ने लगातार टैंक से हमला कर चीन को आगे बढ़ने से रोके रखा और यह निश्चित किया कि वो लेह तक जाने वाली रोड पर कब्जा नहीं कर पाए। टैंक्स की बदौलत ही भारतीय सैनिक एक टैक्टिकल रिट्रीट ले पाए, वरना चीन का प्लान था कि उन्हें पीछे से ओवरटेक कर उनकी सप्लाई लाइंस काट दी जाएं। ब्रिगेडियर अमर चीमा अपनी किताब द क्रिम्सन चिनार अ पॉलिटिको मिलिट्री पर्सपेक्टिव में लिखते हैं, चुशूल की जंग पर भारत को गर्व होना चाहिए। भारत चाहे हार गया, लेकिन उसने चीन के आक्रमण को कुंद कर दिया था। इस जंग में टैंकों ने सैनिकों के लिए एक टॉनिक के रूप में काम किया, इससे उन्हें उम्मीद मिली और वो डटकर चीन का मुकाबला कर पाए। अब इसी जंग के साथ जुड़ा एक और किस्सा सुनिए। साल 2020 से पहले भारत और चीन के रिश्ते सुधरते ही जा रहे थे, ऐसा कई सालों की कोशिशों के चलते हुआ था, इसलिए चीन ने कभी 1962 युद्ध को ज्यादा तूल नहीं दिया। साल 2020 के बाद चीन के रुख में बदलाव आया। हाल ही में चीन में इस युद्ध को लेकर एक रिपोर्ट तैयार हुई जिसमें कुछ हैरतअंगेज बातें सामने आई।
मसलन 3 दिसंबर 1962 यानी कि युद्ध विराम की घोषणा से सिर्फ 2 हफ्ते बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी सभी ट्रूप्स को एक टेलीग्राम भेजा था। इस टेलीग्राम में लिखा था कि भारत के खिलाफ ऑपरेशन को चाइना इंडिया बॉर्डर सेल डिफेंस काउंटर अटैक के नाम से रेफर किया जाएगा। रिपोर्ट में और भी बातें पता चली है। माओ युद्ध से पहले अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने अपने जनरल से कहा था कि अगर हम नहीं जीते तो जिम्मा धरती आसमान के सिर फोड़ देंगे, लेकिन कभी भी इसे खुद की हार नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, अपने एक जनरल से उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम तिब्बत हार भी गए तो एक न एक दिन हम उसे वापस पा लेंगे। चीन ये युद्ध जीता और हमारे लिए छोड़ गया एक सबक जिसे हम आज फिर दोहरा रहे हैं। इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों और उनके परिवारों को हमारी श्रद्धांजलि। आप में से कई लोगों ने कई बार ये सवाल उठाया कि युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए हम शहीद शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका कारण यह है कि खुद सेना शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। अंग्रेजी में जो मार्टर शब्द है उसका रूट वर्ड है मार्तुर। ग्रीक भाषा के शब्द का अर्थ होता है वो लोग जो अपने धर्म की खातिर प्राण देने के लिए तैयार हुए। चूंकि भारतीय सेना किसी एक धर्म से ताल्लुक नहीं रखती, इसलिए सेना में मार्टर या शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। किल्ड इन एक्शन KIA या बैटल कैजुअलिटी कहा जाता है। हम भी इसी परंपरा का सम्मान करते हुए शहीद शब्द के इस्तेमाल से बचते हैं। इसी नोट के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। इसे लिखा था कमल ने और कैमरे पर इसे आपके लिए रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जेरी ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।